तो आज मैं बनाऊंगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी मैगी, जिसको आप सुबह या फिर शाम को नाश्ते में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मैगी को बॉईल कर लेंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिए है। इनमें 1 से 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे तेल, जिससे कि मैगी हमारी नॉन स्टिकी रहे। 1/2 टीस्पून ऐड किया है नमक, 2 पैकेट मैगी के। मीडियम टू हाई हीट पर 3-4 मिनट के लिए मैगी को बॉईल कर लेंगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉन स्टिकी मैगी चाहते हैं तो ज़रूर आप मैगी को मेरी तरह ज़्यादा पानी में बॉईल करें। तो मैगी हमारी बॉईल हो चुकी है, इसे हम छान लेंगे और एक नॉर्मल पानी से धो लेंगे, जिससे कि बिल्कुल नॉन स्टिकी रहेगी। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल ऐड किया है, आप घी भी ले सकते हैं या फिर बटर भी ले सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे, स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टुकड़े लहसुन के, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिए थे, मीडियम टू हाई हीट पर इन्हें हल्की सी ब्राउन हो जाने तक हम फ्राई कर लेंगे। 1 टेबल स्पून ऐड किया है मैदा, जो कि क्रीमी बनाने के लिए मैंने ऐड किया है, आप भी ज़रूर थोड़ा सा ही ऐड करें। मीडियम फ्लेम पर मैदा को हम थोड़ा सा भून लेंगे। 1 प्याज, 1 टमाटर और 1/2 कैप्सिकम, जिसको मैंने छोटे टुकड़े करके काट लिए हैं, मीडियम हीट पर इन्हें हल्की सी ब्राउन हो जाने तक हम फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रंची सब्ज़ियाँ पसंद नहीं है तो आप इन्हें हल्की सी सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर सकते हैं। मिक्स्ड हर्ब्स या फिर ओरिगैनो, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। आधा कप पानी, मैगी को क्रीमी बनाने के लिए मैंने ऐड किया है मेयोनीज, आप चीज भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 से 2 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज ऐड किया है। काली मिर्च का पाउडर और 1 पैकेट मैंने मैगी का टेस्ट मेकर ऐड किया है। बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो सकता है, इसलिए कम ऐड किया है मैंने। आप चाहे तो 2 पैकेट्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2 मैगी के लिए है। मसाला हमारा तैयार है, अब इसमें हम बॉईल की हुई मैगी को ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को इस समय ज़रूर आप लो पर रखिएगा, नहीं तो आपकी जो सॉस है वो बहुत ज़्यादा सूख सकती है। मैगी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे सॉस के साथ, और उसके साथ साथ ही हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी मैगी, क्रीमी मैगी बन चुकी है। आप इसे सुबह नाश्ते में या फिर शाम को भी नाश्ते में बना सकते हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए, मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।